Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Students, let's start chapter 7 of English Reader, class 3. That is Akbar, Birbal come from heaven. हम एक imaginary story पढ़ने जा रहे हैं. Story क्या है? एक drama है. ठीक है? उसमें क्या इमेजिन किया गया है कि अकबर और बीरबल, आप लोगों ने अकबर बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज सुनी है ना, बस उन्हीं के ऊपर ये ड्रामा है. जिसमें क्या है कि अकबर और बीरबल हेवन यानी कि स्वर्ग से लौट कर आते हैं. कहाँ? धरती पर, अर्थ पर आते हैं, है ना. कई सालों बाद, जब अकबर बीरबल के टाइम पर जो अर्थ थी उससे अलग हमारे टाइम की अर्थ पर वो आते हैं. उसमें क्या होता है, क्या उनको अलग लगता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे. उसके पहले देखिए, मैंने कुछ मैजदा फॉलोइंग किए हैं, इनको हम अच्छे से देखते हैं. इसमें क्या है, आपने अलग अलग जो कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं उनमें कौन किसके साथ रहा शुरू से, वो फेमस कैरेक्टर्स हैं. जैसे कि अकबर, अकबर के साथ बीरबल हमेशा रहे, है ना. देन छोटा भीम, छोटा भीम के साथ हमेशा चुटकी रहती है. सिंड्रेला, सिंड्रेला के साथ प्रिंस चार्मिंग थे. स्नो वाइट के साथ द 7 ड्वार्फ्स यानी कि 7 क्या कहते हैं हम उनको, छोटे छोटे जो लोग होते हैं बोने थे. फिर फैंटम, फैंटम एक किरदार था कॉमिक्स का, उसके साथ डायना पाल्मर करके एक लेडी हमेशा रहती थी, है ना. ये मैंने मैच द फॉलोइंग आपके लिए किए हैं, ये आपको करना है. उसके बाद अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स सी कितना मज़ा आएगा इसमें. देखिए बीरबल, आप लोग इसको घर में भी प्ले कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. स्कूल में तो मैं करवाती, बट ठीक है, हमारी मजबूरी है, हम अभी करते हैं. मान के चलते हैं एक बीरबल है और एक अकबर है. बीरबल बोलते हैं, ओह इट इज़ नाइस टू बी बैक आफ्टर सो मैनी ईयर्स. देखिए बीरबल कह रहे हैं अकबर से, महाराज धरती पर इतने टाइम बाद आना बहुत अच्छा लग रहा है वापस. देखिए आपको इनके बैकग्राउंड में कौन सा ज़माना दिख रहा है, हमारे टाइम का या अकबर बीरबल के टाइम का? यस, हमारे टाइम का. देखिए मेट्रो दिख रही है, एरोप्लेन दिख रहा है, बसेस दिख रही हैं, है ना. ये हमारा टाइम चल रहा है और इस टाइम में ये दोनों आए हैं, तो कितना मज़ा आएगा, यू कैन थिंक, है ना, यू कैन इमेजिन दैट. चलिए देखते हैं. अकबर, यस बीरबल, वी हैव बीन इन हैवन फॉर सो लॉन्ग. वो क्या कह रहे हैं अकबर? हाँ बीरबल, हम इतने लंबे टाइम से स्वर्ग में थे, है ना. वी लिव देयर इन ग्रेट कम्फर्ट, और हमें बहुत आराम भी था. बट सम हाउ आई मिस दीज सराउंडिंग्स एंड द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड. पर फिर भी मैं अपने आस पास के लोगों को और आस पास का जो हमारा माहौल था उसको बहुत याद करता हूँ. अब आगे देखते हैं क्या होता है. बीरबल, आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट अस हैव अ लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस प्लेस. अब बीरबल क्या कहते हैं, मेरे को बहुत मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब मुझे बहुत उत्साह है कि मैं आसपास की और चीज़ों को देखूँ. तो वो क्या कह रहे हैं, चलिए हम आगे चीज़ें देखते हैं. अकबर, फर्स्ट लेट अस लुक फॉर अ हॉर्स कैरिएज और टू हॉर्सेज. हॉर्स कैरिएज यानी कि घोड़े का रथ, है ना, घोड़े का रथ या दो अलग अलग हॉर्सेज को हम देखते हैं. अब अकबर बीरबल जिस टाइम में रहते थे उस टाइम पे तो हॉर्सेज ही चलते थे ना, या तो हॉर्स के रथ पे बैठ के जाओ या हॉर्सेज पे बैठ के जाओ. तो अब वो क्या कहते हैं बीरबल, टू ए यंग मैन, मतलब वो एक इस आदमी को पकड़ते हैं, उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, वेयर कैन बी फाइंड अ हॉर्स कैरिएज और टू हॉर्सेज, वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस. अब वो इस आदमी से कहते हैं कि सर यहाँ पे या तो रथ या दो घोड़े कहाँ मिल सकते हैं, हमको इस जगह को एक्सप्लोर यानी कि घूमना है, है ना, घूमना के लिए हमको हॉर्सेस चाहिए. यंग मैन लाफ्स. अब आज के टाइम में कोई हमसे आके बोले कि हमें घोड़े का रथ चाहिए तो हमें हंसी नहीं आ जाएगी? तो वैसे ये यंग मैन जो था वो हंसने लगा. फिर वो क्या बोला, टू हॉर्सेस और अ हॉर्स कैरिएज, हा 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 हा, व्हाट
are you talking about? Look at all these cars, buses and auto rickshaws. You can also take a cab or use the metro. अब ये आदमी क्या कहता है, आप किस समय की बात कर रहे हैं? हॉर्स कैरिज मतलब घोड़े या रथ। अरे इन सब कार्स को देखिए, बसेस को देखिए, ऑटो रिक्शा को देखिए, अब तो आप कैब भी बुक कर सकते हैं या मेट्रो से भी जा सकते हैं। बीरबल, इज इट सो? एनी वे थैंक्स फॉर गाइडिंग अस, द यंग मैन लीव्स। अब क्या हुआ, बीरबल ने सोचा है ऐसा होता है, तो उसने उस लड़के के सामने अपनी बेइज्जती नहीं हो तो उसके लिए उसने क्या बोल दिया, अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू बताने के लिए, और वो आदमी वहाँ से चला गया। अब अकबर, बीरबल, दीज कार्स मूव वेरी फास्ट, आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग इन टू वन ऑफ देम। अब बताओ अकबर को डर लग रहा है किस चीज़ से, इन कार्स में बैठने से, कि ये कार्स तो बहुत तेज चलती हैं, इनमें बैठने में तो मुझे डर लग रहा है। आई हैव फॉट मैनी बैटल्स एंड किल्ड मैनी एनिमीज, बट दीज कार्स एंड द मेट्रो इट इज़ स्कैरी। अब वो क्या कह रहे हैं अकबर, कि अकबर बीरबल, मैंने तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लोगों को मारा अपने दुश्मनों को, पर फिर भी ये कार और मेट्रो ये तो बहुत डरावनी है, मुझे इनमें बैठने में डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा था बेटा, हमको तो डर नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें नई थी, ये उनको पहली बार देख रहे थे, है ना। बीरबल, माय लॉर्ड लेट्स वॉक, तो क्या कहते हैं बीरबल, हे भगवान चलिए चलते हैं, पैदल पैदल चलते हैं, है ना। माय लॉर्ड मतलब हम अपने महाराज को भी इस तरह से बुला सकते हैं। अकबर, आई एम थर्स्टी गेट सम वाटर फॉर मी। अब अकबर क्या कहते हैं, बीरबल मुझे तो बहुत प्यास लगी है, पानी तो पिला दो यार। बीरबल क्या कहता है, यस माय लॉर्ड टू एन ओल्ड मैन, सर इज देयर अ वेल और रिवर नियर बाय, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। अब पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा, प्यास लगती थी तो या तो आसपास की नदी या कुएं से पानी निकाल के पी लिया जाता था। तो ऐसा ही वो एक ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से कहते हैं कि सर यहाँ आसपास कोई वेल यानी कि कुआं या रिवर यानी कि नदी है क्या, यहाँ जाके हम पानी पी सकें। ओल्ड मैन, वेल रिवर माय डियर फ्रेंड देयर आर नो वेल्स इन दिस सिटी, द रिवर वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, You can buy a bottle of mineral water from that shop. अब वो आदमी क्या कहता है, उनको रिवर चाहिए, फिर वो कहता है कि अरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ तो इस सिटी में कोई कुआँ नहीं है और ना ही रिवर का पानी पीने लायक है, उससे तो हम बीमार हो जाएंगे, आप क्या करो शॉप पर जाओ और मिनरल वाटर खरीद लो, है ना। देखो बेटा पहले के लोग कुएँ का पानी पीते थे या नदियों का पानी पीते थे पर फिर भी बीमार नहीं होते थे, हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं और बीमार हो जाते हैं। अब बीरबल पूछता है, दैट इज़ स्ट्रेंज, वाई द वे व्हाट इज़ मिनरल वाटर। अब बीरबल भी सोचता है अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, फिर भी वो ओल्ड मैन से पूछता है कि ये मिनरल वाटर होता क्या है। तो देखिए ओल्ड मैन क्या कह रहा है, मिनरल वाटर इज़ प्योरीफाइड वाटर, मिनरल वाटर कैसा पानी है जिसको प्योर किया गया है, इट इज़ सोल्ड इन बॉटल्स, और इसको कहाँ कैसे बेचा जाता है, बॉटल्स में भर के बेचा जाता है। वेल बोथ ऑफ यू रिमाइंड मी ऑफ अकबर एंड बीरबल कॉमिक्स दैट आई यूज टू रीड एज अ स्मॉल बॉय। अब वो ओल्ड मैन क्या कह रहा है कि आप दोनों को देखकर तो मुझे हमारे ज़माने की उस कॉमिक्स की याद आ गई जिसमें मैं अकबर और बीरबल के किस्से पढ़ा करता था। यानी कि उस ओल्ड मैन को नहीं पता कि ये दोनों अकबर बीरबल है, अकबर बीरबल ने किसी को ये बात बताई भी नहीं है, है ना। अब बीरबल, थैंक यू सर, द ओल्ड मैन लीड्स अकबर एंड बीरबल टू अ शॉप। अब क्या होता है, अकबर उनको थैंक यू बोलता है और ओल्ड मैन उनको अपने साथ में कहाँ ले जाता है, शॉप पर ले जाता है। बीरबल, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। अब वो शॉपकीपर से बोलता है कि भैया क्या आप एक बॉटल पानी दे सकते हैं। देखिए शॉपकीपर क्या कहता है, हियर इट इज़, यू हैव टू पे ₹25। आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ₹25। अब आप बताइए अकबर बीरबल के पास पैसे थे क्या, नहीं थे। अब क्या होता है, बीरबल, सॉरी आई डोंट हैव एनी मनी,
बट आई कैन गिव यू दिस गोल्ड कॉइन। अब बताओ, एक बॉटल के चक्कर में एक गोल्ड कॉइन दे दिया, एक गोल्ड कॉइन आज की रेट में कितना महंगा है। पर बीरबल को ये बात नहीं पता थी, तो वो क्या कहते हैं कि सॉरी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं आपको एक ये गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। शॉपकीपर लुकिंग वेरी सरप्राइज्ड, अब वो भी गोल्ड कॉइन देख के चौंक गया है। फिर वो कहता है श्योर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, दे दो दे दो। ही कीप्स द कॉइन क्विकली एंड गिव्स अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। डू यू वॉन्ट एनी मोर बॉटल्स ऑफ वाटर, और वो क्या कहता है, आपको और पानी चाहिए क्या। अब वो क्या कहता है, जल्दी से शॉपकीपर, यार गोल्ड कॉइन मिल रहा है, कौन छोड़ेगा। वो जल्दी से वो गोल्ड कॉइन ले लेता है और उनसे कहता है आपको और पानी चाहिए क्या। तो बीरबल क्या कहते हैं, नो थैंक यू, कहते हैं बीरबल नहीं थैंक यू, अब नहीं चाहिए। शॉपकीपर टू हिमसेल्फ, अब शॉपकीपर अपने मन में सोच रहा है व्हाट अ फूल, यानी कि कितना बेवकूफ़ आदमी है। ही डज नॉट नो दैट अ गोल्ड कॉइन इज़ वेरी प्रीशियस, उसको ये नहीं पता कि गोल्ड कॉइन तो बहुत महंगा आता है, बहुत कीमती होता है। दे लीव द शॉप, बीरबल ओपन्स द बॉटल एंड द एम्परर टेक्स अ सिप। उसके बाद क्या होता है, बीरबल उस बॉटल को खोलते हैं और एम्परर एक सिप यानी कि एक घूंट पानी पीते हैं। अब क्या हुआ, अकबर, बीरबल आई हैव नॉट गोन हंटिंग इन ईयर्स, लेट्स गो हंटिंग टू अ नियर बाय फॉरेस्ट। अब अकबर पुराने ज़माने वाली बात फिर से करते हैं कि अकबर, बीरबल मैं तो बहुत टाइम से हंटिंग करने यानी कि शिकार करने, हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, मैं शिकार पर नहीं गया हूँ, चलो ना हम आसपास किसी जंगल में शिकार करने चलते हैं। बेटा जैसे आजकल हम लोग गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स वगैरह, पहले के राजा लोग शिकार करते थे, आज की डेट में वो परमिशन हमको नहीं है, है ना। अब इसके आगे क्या होता है, क्या वो शिकार करने जा पाते हैं, क्या होता है, ये हम कल देखेंगे। ओके टिल देन आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।